नमस्कार दोस्तों, इन फोकस स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से होगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा, जहां एक और इस नए साल में भारतीय क्रिकेट की शुरुआत T20 सीरीज से हो रही है। वहीं श्रीलंका के साथ हो रही इस भारतीय टीम के कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। इस T20 श्रृंखला में 3 बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया है, जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल। हार्दिक पांड्या को भारतीय T20 टीम का कप्तान चुनना इस बात का संकेत देती है कि अगले वर्ल्ड कप T20 के लिए हार्दिक पांड्या की नेतृत्व में युवा खिलाड़ी की टीम तैयार करने की पहल हो चुकी है। और ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों को T20 फॉर्मेट के दरवाजे लगभग बंद होते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हार्दिक पांड्या को कप्तान चुने जाने पर, और क्या अब ये 3 सीनियर खिलाड़ी विराट, रोहित और राहुल को अपनी स्थान खाली कर देनी चाहिए युवा खिलाड़ियों के लिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। भारत की 16 सदस्यीय टीम में ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को शामिल किया गया है। ये तीनों बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ पारी की आगाज करते दिख सकते हैं। इस श्रृंखला में अर्शदीप सिंह पेस अटैक को लीड करते नजर आएंगे। उनका साथ देने के लिए हर्षल पटेल और उमरान मलिक के साथ शिवम मावी और मुकेश कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं पर स्पिनर्स की जवाबदारी एक्सपीरियंस युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल और युवा वाशिंगटन सुंदर पर होगी। लगातार T20 मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन चुना गया है। श्रीलंका की ओर से टीम का नेतृत्व दासुन सनक्का करेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे को शुरू होगा। हम आपको इस मैच के लाइव मैच स्कोरिंग हमारे चैनल में लगातार दिखाते रहेंगे। इन फोकस स्पोर्ट्स चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।